स्टार्ट। हेलो फैम, दिस इज मनिता हियर, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्नेक सेवर फैमिली। सो आज मैं फिर से आपके सामने एक जंगल में हूँ और मैं आपके साथ मिलकर कुछ 15 स्नेक्स को रिलीज करना चाहती हूँ। तो आइए हम सारे स्नेक्स को रिलीज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रोडक्शन दूंगी। ये जो सारे 8 सांप हैं, ये सारे कोबराज हैं, अलग अलग साइज शेप के हैं। और यहाँ पे जितने हैं वो सारे रेड स्नेक्स हैं और ये दो कुछ यूनिक स्नेक्स हैं, तो उनको भी हम रिलीज करेंगे। ये सारे सांपों को आज हम रिलीज कर रहे हैं, तो आप बने रहिए हमारे इस वीडियो को देखते रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कोबराज जाने दें इधर। हाँ, तो ये है लगभग 3 फीट का ब्लैक कोबरा। ये 4 फीट समथिंग का है ब्लैक कोबरा, थोड़ा सा बड़ा है तो अलग छोड़ेंगे। ये गया अपने जंगल में। उसकी स्किन आप देख सकते हो कितनी स्मूथ है। ये छोटा सा बेबी कोबरा है, ये एक और छोटे मियाँ रिलीज हो चुके हैं। ये एक और छोटे मियाँ मेरे हाथ में है, उसे भी रिलीज कर देते हैं। काफी फुर्तीला था ना। ये देखो दर्शन देने के लिए महाराज बैठे ही हुए हैं। ये सारे छोटे छोटे कोबराज हैं, तो इसे भी हम अलग से इधर ही छोड़ देंगे। ये एक छोटा सा बाइनोसोलेट कोबरा है, इसे भी जंगल में। ये 2.5 फीट का ब्लैक कोबरा है, ये भी जंगल में। जाओ। रुक गया है। गया। यस इट इज 1.5 फुट का, नहीं 1.5 फीट का है बेबी कोबरा, ब्लैक बेबी कोबरा। ये भी गया जंगल में। ओ, ये थोड़ा सा बड़ा है तो हम इसे यहाँ छोड़ देते हैं। ये है एक और ब्लैक कोबरा जो कि काफी गुस्से में है। ये क्या, खत्म ना। हाँ, 8 कोबराज को अभी हमने रिलीज कर दिया है। अब बारी है सारे के सारे रेड स्नेक्स की, तो आइए रेड स्नेक्स को छोड़ते हैं। ये छोटा सा बच्चा है तो ये काफी फुर्तीला होगा, तो हम इसे इधर छोड़ते हैं ना, यहाँ जंगल अच्छा है, तो इसे हम फटाफट से जाने देंगे। इसकी फुर्ती आप देख रहे हो, देखो देखना। हाँ, ये गया। ये बहुत बड़ी रेड स्नेक है, लगभग 7 फीट का। ये वाव, 7 फीट नहीं, शायद ज्यादा था। ये भी बहुत बड़ा रेड स्नेक है, ये भी 7 to 6 फीट का है। ये भी गया।
रेड स्नेक का बेबी है, रेड स्नेक की छोटी मियाँ, इसको भी हम यही रिलीज कर देते हैं। अब एक जंबो साइज का रेड स्नेक है मेरे पास, वो तो हमारी बरनी में भी नहीं आ रहा था, इतना बड़ा था, इतना मोटा था, तो हमें इसको थैले में पकड़ना पड़ा। तो काफी खाते पीते घर का है ये स्नेक, आप देखिएगा। ये दो स्नेक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि थोड़े से अलग है, थोड़े से प्रेशियस स्नेक्स है, मतलब ये स्नेक ज्यादातर हमें देखने को नहीं मिलता। हमारे यहाँ पे कोबरा और रेड स्नेक ज्यादा देखने को मिलता है, लगभग 100 में से 60 समथिंग स्नेक्स हमें कोबरा मिलते हैं और 30% टाइप रेड स्नेक्स होते हैं। तो ये हमें काफ़ी कम देखने को मिलता है, लोगों ने इनको बहुत बुरे तरीके से मार डाला है, क्योंकि इनके रंग रूप ऐसे है कि लोग इसे जहरीला समझ लेते हैं, पीले रंग का है, इसके ऊपर स्ट्राइप्स है, तो लोग इसे इसलिए मार डालते हैं। छोटे बच्चे मतलब ये बहुत जहरीला है क्योंकि पीला है, तो इसका हमें तो बहुत कम देखने को मिलते हैं ऐसे स्नेक्स, बट अभी मिले हैं तो इसको रिलीज करते हैं। सो यहाँ पे ये है जो स्नेक मैं रिलीज कर रही हूँ, वो है एक छोटा सा बेबी वुल्फ स्नेक, और ये काफ़ी अट्रैक्टिव था रेस्क्यू के टाइम, ये गया उसके जंगल में। सो ये दूसरा प्रेशियस स्नेक है जिसका नाम है रूप सुंदरी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रिंकेट। इसका आप यहाँ से कलर देख सकते हो, ऊपर से तीन कलर है, यहाँ पे स्ट्राइप्स है, उसके सर पर देखिए आप ब्लैक कलर की पट्टियाँ हैं। इसका रंग थोड़ा सा पीला और हरा होने की वजह से लोग इसे बहुत बुरे तरीके से मानते हैं कि ये अगर काटे तो लोग पानी भी नहीं मांगते, इतनी स्फूर्तिला बाइट होता है, इतना खतरनाक बाइट होता है, लेकिन आप देख पा रहे हैं ये मेरे हाथों में आसानी से खेल रहा है। प्लीज़ आप उसके कलर को लेकर, उसकी साइज शेप को लेकर उसको जज ना करें। सांप जितने लाल और पीले होते हैं वो उतने जहरीले होते हैं, ये बिल्कुल गलत मान्यताएं हैं। तो कृपया आप अपने आसपास भी ये सबको समझाएं और आप भी समझें कि सांप जितने अच्छे कलर्स वाले होते हैं वो उतने ही नॉन पॉइजनस होते हैं। देखिए ये कितनी आसानी से मेरी दो उंगलियों में बैठ गया है, अगर ये काटेगा तब भी आपके हाथों में कुछ नहीं होगा, इसके दांत इतने छोटे हैं कि आपकी चमड़ी के अंदर जाएंगे ही नहीं। लोग इसे बहुत बुरे तरीके से मार देते हैं यार, बस कीजिए, सांपों को ना मारें। इसे हम नेचुरल हैबिटेट में छोड़ देते हैं। तो ये गया, बस तो यही था आज के वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके प्यार की वजह से ही हमारी चैनल इतनी अच्छी चल रही है, प्रोग्रेस कर रही है, ऐसा ही प्यार हम सबके लिए बनाए रखें और हमारे इस काम को अप्रिशिएट करते रहिए। हमारी चैनल में ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, रिलीसिंग वीडियोस है, फिर हम लोग जो स्नेक रेस्क्यू करते हैं तो कहाँ से रेस्क्यू करते हैं वो सारे वीडियोस भी है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें ढेर सारे कमेंट्स करके बताइए कि आपको हमारा ये काम कैसा लगा। तो अभी घर चलती हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, मैंने कितने सारे स्नेक्स को रेस्क्यू किया है, पूरी फैमिली बस इसी काम में लगी हुई है, हम सब बहुत थक गए हैं। तो फिलहाल अब हम घर जा रहे हैं एंड नए स्नेक रेस्क्यू के कॉल का वेट करेंगे।